नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टेप बाय स्टेप नेट साड़ी ड्रेपिंग। और आज की ये वीडियो बिगनर्स के लिए है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साड़ी पहनना सिखाऊंगी। सबसे पहले आपने अपनी साड़ी को ओपन कर लेना है, अपनी बॉर्डर वाली साइड को नीचे रखते हुए एंड अपने नॉन पल्लू एंड आपको ढूंढना है। जो पल्लू वाला एंड होता है वो हम अपने शोल्डर पर रखते हैं, जो नॉन पल्लू एंड होता है उसे हम सबसे पहले टकिंग करने में यूज़ करते हैं। तो आपको सबसे पहले प्लेन नॉन पल्लू एंड देख लेना होगा। हर बार नॉन पल्लू एंड प्लेन नहीं होता है क्योंकि कई बार उसमें ब्लाउज पीस अटैच होते हैं, कई साड़ी इसमें अटैच नहीं होते हैं। सो मेरी साड़ी में अटैच है तो आप देख सकते हैं नीचे में एक छोटी स्पॉट लगी हुई है। आपको भी अपनी साड़ी का पहले नॉन पल्लू एंड ले लेना है, उसे टक इन कर लेना है। अपनी जो बॉर्डर है उसको सामने रख हुए अपनी राइट साइड फ्रंट की राइट साइड से एक राउंड पूरा टक इन करना है अपनी उस साड़ी को, आपके वेस्ट के अराउंड। तो आपको परफेक्टली पूरी टक इन करनी है एंड आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पेटीकोट से साड़ी ना ज़्यादा ऊपर हो और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे हो। टक इन कर लेने के बाद अब जिस तरीके से मैं अपनी साड़ी का अपर पार्ट पकड़ के उस लो एंड तक लेके जा रही हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है ताकि आपकी साड़ी बीच में कहीं से भी मुड़ी हुई नहीं हो। क्योंकि कई बार हम साड़ी पहनते हैं और वो साड़ी कहीं ना कहीं बीच से फोल्ड हो गई रहती है और हमें पता नहीं होता, एंड आपको उसको अपने वेस्ट के अराउंड घुमा के आगे ले आना है। और उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो साड़ी का अपर वाला पार्ट है वो आपके राइट हैंड के सामने आ रहा हो एंड जो लेफ्ट हैंड के सामने आ रहा हो वो नीचे वाला पार्ट हो, यानी कि बॉर्डर के पास बॉर्डर वाली जो लाइन होती है वो वाली साड़ी हो। एंड अब आपको अपनी लेफ़्ट साइड से प्लीट्स बनाना शुरू करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं साड़ी को कैसे पकड़ रही हूँ लेफ़्ट साइड में, एंड आपको प्रॉपर प्लीट्स बनाते जाने हैं लेफ़्ट साइड इट से। और प्लीट बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी पहली प्लीट जैसी बने आपकी जो लास्ट प्लीट होगी वो उसके ऑपोजिट बनेगी, यानी कि जो पहली प्लीट है उसका फेस अगर मतलब उसकी जो प्लीट जो है राइट साइड की तरफ है तो आपकी लास्ट प्लीट जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने प्लीट बनाई है, और अगर आपकी प्लीट ऐसे नहीं बनती है तो अपनी प्लीट्स को दोबारा बनाइए। अपनी सारी प्लीट्स को थोड़ा छोटा या बड़ा कर लें जैसे कि लास्ट प्लीट एंड फर्स्ट प्लीट मैनेज हो जाए। तो अपनी प्लीट्स को टॉप से पकड़ के थोड़ा सा झटक लें जैसे मैं झटक रही हूँ। इसके बाद अब आपको अपनी प्लीट्स को बराबर करते हुए अपनी प्रॉपर अपने शोल्डर पे रख लेते जाना है। आप ऐसे करोगे तो आप जल्दी आपकी प्लीट्स तैयार हो जाएंगी। और कई बार हम डायरेक्ट सारे प्लीट्स बना के अपने शोल्डर पे ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे एक दो प्लीट कई बार छूट भी जाती है, फिर कोई प्लीट अच्छे से बनती नहीं है, मुझसे तो नहीं बनती है। इसलिए मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा करके अपनी शोल्डर पर प्लीट्स लेते जाती हूँ। और आप कोई एक प्लीट्स अपने शोल्डर पर रखते हुए इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप की जो पल्लू की आपकी लेंथ आपको कितनी रखनी है आपको उसका भी ध्यान रखना है। और आपको कभी भी फ्रंट साइड में पिन नहीं लगाना है, आपको हमेशा अपने शोल्डर के जो बैक साइड होते हैं ना वहाँ पे पिन लगाना है। अपने जो बैक साइड की नेक होती है ना आपकी शोल्डर की वहीं पास में आपको पिन लगाना है। पिन लगा लेने के बाद अब आपको अपनी जो फ्रंट का राइट साइड वाला पार्ट है आपको उसे लेना है एंड अपने बॉडी के अराउंड घुमा का आपको उसे सामने लेकर आना है। मतलब जैसे वो है उसे वैसे ही रहने देना है, बट आपको उसको थोड़ा खींचना है अपने वेस्ट के पास लेफ्ट साइड की ताकि आपकी साड़ी थोड़ी अच्छे से टाइट हो जाए। आपको इसको थोड़ा
सा राइट साइड की तरफ लेते हुए आपको अपने पेटीकोट के साथ पिन अप कर लेना है। अब बीच में छोटी छोटी हल्की हल्की प्लीट्स बना सकते हो। ये नेट की साड़ी है बोल के इसमें अच्छे से प्लीट नहीं बन सकती है ज़्यादा छोटी, इसलिए मैं इसमें बहुत ही छोटी और कम प्लीट्स बना रही हूँ एंड इसे पिन अप कर ले रही हूँ अपनी राइट साइड में पेटीकोट के साथ। पिनअप कर लेने के बाद आपके सामने में जितनी भी साड़ी बची है आपको साड़ी की प्लीट्स बनानी है। तो आपको सबसे पहले एक साइड से अपनी प्लीट्स बनानी शुरू करनी है। आपको पहले साड़ी को ठीक कर लेना है, उसके बाद आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं अपनी राइट साइड से प्लीट्स बनाना शुरू कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही प्लीट्स बनाना शुरू करना है। और मैंने साड़ी फ्लिप करते वक्त अपनी लेफ़्ट साइड से साड़ी को लाके अपनी राइट साइड में पिन अप किया है। और कई लोग ऐसा करना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप थोड़े से साड़ी ज़्यादा ना छोड़ें और अपनी पूरी साड़ी की प्लीट्स बना लें। पर मैंने अपनी साड़ी को पिन अप किया है इसलिए मैं अपनी साड़ी का जो प्लीट्स का जो लास्ट पार्ट है एक या दो प्लीट आप छोड़ दें, एक प्लेट छोड़ना काफ़ी होगा। प्लीट्स बना लेने के बाद आपको साड़ी को ऊपर से पकड़ प्लीट्स को थोड़ा झटक लेना है एंड उसके बाद अपने सारी प्लीट्स को वन बाय वन आप सारी प्लीट्स को ठीक कर लें ताकि कोई भी प्लीट फोल्ड होके ना रह गई हो एंड उसके बाद आपको इसे अपने सेंटर में टक इन कर लेना है। टक इन कर लेने के बाद आपको अपनी जो प्लीट्स हैं ना उन्हें थोड़ा सा आपस में गैदर कर लेना है एंड उनके पीछे एक पिन लगा देना है जैसे कि मैं लगा रही हूँ, क्योंकि नेट की जो साड़ी होती है ना वो थोड़ी स्लिपरी टाइप होती है एंड कई बार ना सारी प्लीट्स खुल जाती हैं। तो अगर आप किसी भी साड़ी में से पिन लगा लेते हो ना सामने में तो वो साड़ी ना जल्दी खुलती नहीं है। पिन लगा लेने के बाद आप नीचे झुक के अपनी जो नीचे की जो बॉर्डर है ना साड़ी प्लीट्स की उसे ठीक कर लें, क्योंकि कई बार हमारे नीचे की जो बॉर्डर्स होती है ना वो मुड़ गई होती हैं, फोल्ड हो गई होती हैं। तो आप उन्हें सारी बॉर्डर्स को ठीक कर लें।
एंड हमारी सारी ट्रिपिंग कंप्लीट होती है इसी के साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको और किस टाइप की साड़ी या फिर टॉपिक कौन सी वीडियोस चाहिए ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द ला सकूं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।